पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि फ्लैश आउट कैसे करते हैं। इस वीडियो में ये वीडियो हेल्परों के लिए है। बहुत सारे जो नए लड़के होते हैं उसे टेक्नीशियन बोलते हैं कि टूल्स रेडी कर लियो, इंस्टॉलेशन के पूरे टूल्स ले लियो, तो पूछने लगता है अभी क्या क्या उठाऊँ। तो ये परेशानी नहीं होना, इसलिए मैं सोचा कि एक वीडियो ये बना दूँ ताकि लड़कों को परेशानी ना हो। तो कौन कौन सा टूल्स इंस्टॉलेशन के लिए चाहिए आइए मैं बताता हूँ। अगर आपको टेक्नीशियन बोले कि इंस्टॉलेशन के टूल्स उठा लियो, तो पहले आपको एक ऐसा थैला ढूंढना है, इस तरह का थैला, दिखाओ ज़रा। ये एक थैला या कवर, कोई भी ऐसी खोलते हैं तो उसमें एक कवर आता है, कोई कवर या कुछ भी उठा लेना, क्योंकि अगर वो नहीं उठाओगे तो टूल्स गम सकता है। इसलिए ऐसा एक थैला या कवर कुछ भी उठा लेना। फिर इसके ऊपर बैग पूरा उठा ले, पीछे पीछे नहीं फिरना, पीछे पीछे फिरोगे फिर अच्छा नहीं दिखेगा बैग से, टूल्स भी गम सकता है। तो इंस्टॉलेशन के लिए क्या क्या टूल्स होना वो मैं बताता हूँ आपको। चलिए एक एक करके टूल्स के नाम भी बताता हूँ, आपको टूल्स के नाम भी याद हो जाएगा। स्टार्टिंग में लड़कों को टूल्स के नाम याद नहीं रहता है तो बहुत परेशानी होता है। चलिए मैं टूल्स के नाम भी बताता हूँ आपको, एक एक करके उठाता हूँ। दो एडजस्टेबल होता है, अगर स्प्लिट एसी है तो एक छोटा एडजस्टेबल काफ़ी है, स्क्रू स्पानर भी बोलते हैं इसे। और अगर कैसेट एसी इंस्टॉल कर रहे हैं तो दो एडजस्टेबल आपको उठाना है, ये दो एडजस्टेबल है, ये उठा लेना है। कटिंग पिलर उठा लेना है, इसे कटिंग पिलर बोलते हैं, प्लास भी बोलते हैं इसे। और एक स्क्रू ड्राइवर उठा लेना है, वैसे नॉर्मली दो स्क्रू ड्राइवर होते हैं, दो भी उठा लेना चाहिए, छोटा बड़ा दो, कौन सा यूज़ आ सकता है किसी को मालूम नहीं है, इसलिए दो स्क्रू ड्राइवर उठा लेना है। एक एक्सा ब्लेड उठा लेना है, इसे एक्सा ब्लेड बोलते हैं, आरी ब्लेड भी बोलते हैं नॉर्मल हम लोग। उसके बाद 12-13 ये एक रिंग स्पानर बोलते हैं इसे, और इसे स्पानर ही बोलते हैं, 12-13 बोलते हैं इसे नॉर्मली। और एक टी स्पानर, ये तीन भी स्पानर आपको उठा लेना है। कौन सा यूज़ आए, ब्रेजिंग टार्च बोलते हैं इसे, ये टार्च उठा लेना है। उसके बाद एक मिनट बताता हूँ, टूब कटर उठा लेना है, इंस्टॉलेशन के टूल्स बता रहा हूँ मैं, ये टूब कटर उठा लेना है। ये स्प्रिंग है, हाफ एन इंच का है, ये तीन भी स्प्रिंग उठा लेना। अब आपको तो मालूम नहीं पड़ेगा स्टार्टिंग में कौन सा पाइप है, इसलिए बेहतर है तीन स्प्रिंग, एक त्रियत का आता है, एक फैयत का आता है, एक हाफ एन इंच का आता है, ये तीन भी स्प्रिंग आपको उठा लेना है। नौ स्पिलर उठा लेना, इसे नौ स्पिलर बोलते हैं। और वायर कटर उठा लेना है, इसे वायर कटर बोलते हैं। इंसुलेशन टेप उठा लेना है, केबल टैग उठा लेना है, ये दो छोटा बड़ा दो भी केबल टैग उठा लेना, यूज़ आ सकता है किसी टाइम, कौन सा यूज़ भी उठा लेना है। मेजरमेंट टेप उठाना है, इसे मेजरमेंट टेप बोलते हैं। उसके बाद फ्लेयरिंग सेट उठा लेना है, फ्लेयरिंग सेट इसे बोलते हैं, ये फ्लेयरिंग सेट नोब और इसके साथ टूब कटर, नोज पिलर, फाइल। अगर आपको टेक्नीशियन बोले फ्लेयरिंग सेट लेके आओ तो ये पूरा सेट आपको लेके जाना है, 1, 2, 3, 4 देख लीजिए, ये पूरे आपको उठा के लेके जाना है, ठीक है। एक सा फ्रेम आता है, ये भी उठा लेना, कभी यूज़ आता है कुछ कट करने। उसके बाद ये अगर आउटडोर को ब्रेज मारते हैं, हवा ऊपर चलते रहता है तो ये भी यूज़ आता है, ये ब्रेजिंग सेट में लगाते हैं, ऐसा लगा के ब्रेज मारते हैं, तो ये भी उठा लेना है। ये स्क्रू का डब्बा है, इसके अंदर ऐसा डब्बा आप ले लेना, साइड पे बहुत सारे मिल जाएगा आपको स्क्रू के डब्बा, इसके अंदर स्क्रू रखा हुआ है, देखिए छोटे बड़े, ये आउट मारने यूज़ आता है, ये स्क्रू के डब्बा भी उठा लेना है। सॉल्वेंट भी उठा लेना है, क्या मालूम कब यूज़ किसके लिए यूज़ आ जाए। उसके बाद दूसरे जिप में देखते हैं और क्या है, एक कपड़ा रख लेना है, ब्रेजिंग मारने के बाद पाइप गर्म रहता है, ठंडा करने के लिए यूज़ आता है, एक कपड़ा रख लेना। ये पट्टी क्लैंप है, ये पट्टी क्लैंप भी रख लेना, पाइप को क्लैंप मारने के लिए यूज़ आता है, पट्टी क्लैंप मारने के लिए एक गट्टा स्क्रू साथ में रख लेना। ये टिन है, ये ब्रेजिंग सेट में यूज़ आता है, तो ब्रेजिंग सेट अगर टेक्नीशियन पूछे
तो आपको लाइटर और टार्च, टिन और रॉड, ऐसा पाइप में रॉड ऐसा पाइप में रख लेना रॉड से। रॉड गमता नहीं, बहुत महंगा रॉड आता है, एक रॉड 30 रुपये है अभी। तो पाइप रख लेना ऐसा पाइप के अंदर, और एक रॉड अगर ब्रेजिंग सेट पूछे टेक्नीशियन तो टिन, टार्च, रॉड और नोज पिलर। नोज पिलर बताया मैं पहले, किसे बोलते हैं नोज पिलर आपको मालूम ही होगा। ये सिलेंडर की है, नॉर्मली तो वैसे नए एसी में यूज़ नहीं आता, अगर गैस चार्ज करना है तो सिलेंडर की भी रख लेना, इसे सिलेंडर की बोलते हैं, ठीक है। मास्किंग टेप बोलते हैं इसे, ये ब्लैक टेप जो आता है, वाइट भी आता है इसमें, इसे मास्किंग टेप बोलते हैं, ये भी रख लें। इसे सो काटर बोलते हैं, शैम्पू डाल के शैम्पू पानी में मिला के एक बॉटल में रख लेना, ये लीकेज चेक करने के लिए काम आता है। ये स्पंज है, ये भी रख लेना। इसके बाद दूसरे जिम्मे खोल के देखना, कुछ यूज़ के तो नहीं है। पेंसिल मार्कर रख लेना, प्लेट मारने के लिए यूज़ आता है। एक 4-5 के अलेंकी रख लेना, नॉर्मली 4-5 के ही यूज़ होता है, दूसरे तो ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। 4-5 के अलेंकी रख लेना, बताता हूँ 4-5 कौन सा होता है। इतना मोटा आता है 5 का, उसमें लिखा रहता है, आप देख सक, आप 5-4 लिखा रहता है, देख सकते हैं आप, ये 4 है ये 5 है। एक 2 अलेंकी रख लेना है, से टफलान टेप बोलते हैं, येलो कलर का रहता है, से टफलान टेप बोलते हैं, एक टफलान टेप भी रख लेना है। टेस्टर रख लेना है, उसके बाद वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है बट आप समझ जाएंगे इसमें कि क्या क्या टूल्स इंस्टॉलेशन के लिए यूज़ आता है। आप एक टाइम ये वीडियो देख लेंगे तो इंशाल्लाह आपको परेशानी नहीं आएगा, तो देखना वो देख लीजिएगा आप। ये गेज लाइन होते हैं, अब बहुत सारे स्टार्टिंग में परेशानी ये होता है कि 32 और 22 लाइन में परेशानी बहुत होता है, उसे समझ नहीं आता इसमें 32 कौन सा है, 22 कौन सा है। तो बहुत इजी तरीका है समझने का, ये 22 जो होता है दोनों का, ये साइड ये और ये सेम होता है, ठीक है, ये साइड और ये साइड साइज में सेम रहता है, तो इसे आप नॉर्मली मालूम कर सकते हैं 22 है। और 32410 ये दोनों आप एक जगह देखेंगे, थोड़ा सा ये साइज़ में बड़ा होता है, मोटा होता है, और ये एक साइड मोटा होता है, एक साइड बारीक होता है, तो इससे मालूम हो जाएगा कि ये 32 है। तो आपको 22 अगर टेक्नीशियन 22 का लाइन पूछ रहा है दो, तो आप 22 का दो भी लेके जाना है, ये 22 का है दो, ये दो लेके जाना है आपको। अगर 32 चार्ज करने का है तो एक 22 लेना है, एक 32 उठा लेना है, दो ही उठा के लेके जाना है, चुपके तीन लेके जाके आप फ़ायदा नहीं है, तो इतना उठा लेना है। से किलोमीटर बोलते हैं, किलोमीटर भी रख लेना, कंटिन्यूटी चेक करने यूज़ आता है, अगर प्रोजेक्ट है तो रख लेना है, अगर प्रोजेक्ट नहीं है ये कैसे इंस्टॉल करने तो कोई बात नहीं है, ये उठाने की ज़रूरत नहीं है, बैग में ही रहने देना है, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा आपको, बस बेसिक तो इतना ही लेना पड़ता है। ये सब कैसेट एसी को यूज़ आता है, मैं स्प्लिट एसी का बताया। इतना टूल्स आपको एक मोटे में उठा लेना है, इस तरह से नीचे देखो, ये मोटे उठा लेना है, और तो जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ उठा के लेके जाके रख देना है ऐसा। इससे क्या है कि जो चाहिए टेक्नीशियन को आप फ़ौरन उठा के दे देंगे, आपको परेशानी नहीं होगा, बार बार बैग के पास जाना, उठा के लेके आना, फिर लेके जाना आना, इसमें परेशानी हो सकता है, इसलिए इतना टूल्स उठा लेना आप, फिर इजीली काम हो जाएगा, आपके टेक्नीशियन भी आपसे खुश रहेंगे। ये तो बार बार आपको गाली भी पड़ेगी उनके मुँह से, बहुत सारे टेक्नीशियन होते हैं वैसा मार भी देते हैं लड़कों को, इसलिए वीडियो आप देख लीजिए एक बार, ज़रूर समझ जाएंगे, उम्मीद है आप कि पूरे टूल्स के नाम भी याद हो जाएगा आपको, और क्या क्या इंस्टॉलेशन के लिए यूज़ होता है वो भी समझ जाएंगे आप। आई होप आप समझ गए होंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।